जैसे स्वप्न में वस्तु मिलता होता है, हम स्वयं निर्णय करते हैं, हम कब निर्णय करते हैं, स्वप्न काल जब तक रहता है तब तक सत्य जैसा दिखता है, पर वो स्वप्न से जगने के बाद तब क्या होता है, वो सारा स्वप्न वस्तु और स्वप्न के जितने वस्तु का ज्ञान हुआ तो सब हम स्वयं निर्णय करते हैं कि वो एक यथार्थ वस्तु है, परंतु स्वप्न दृष्टा मिथ्या नहीं है, नहीं ये मिथ्या है, वो भी उत्तम है। तो इसी प्रकार से जागृतकालीन जो भी कोई वस्तु भी हम लोग देखते हैं ना, वो जागृतकालीन वस्तु भी जितना धर्म मतलब जहाँ पे जो होना संभव नहीं है वही देखना है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं यहाँ पे कि जो है एक निर्गुण निराकार निर्विशेष व्यापक तत्व पूरा संसार में अनाधिकार से विद्यमान है, और वही तत्व जो है इतना नाम रूप में दिखाई पड़ रहा है, मतलब जहाँ पे परिणाम होना संभव नहीं है वहाँ पे इस रूप में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये उसका विवर्तन है। इस प्रकार रज्जु में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए रज्जु सर्प रूप में दिखाई पड़ता है। इसको लेकर के समझाने के बाद अलग अलग वादियों ने अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण जो अपने को अनेक रूप में अपने को वासना के अनुसार कल्पना करते हैं, इसलिए हमें पहले बोल करके यदि रज्जु स्वरूप का निश्चय हो जाता है फिर विकल्प बंद हो जाता है, जब तक रज्जु स्वरूप निश्चय नहीं होता तब तक भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके जो है कौन अलग अलग वादियों को अलग अलग मत है, कोई प्राण को माना श्रेष्ठ तत्व, कोई गुण को श्रेष्ठ तत्व माना, कोई गुण को प्रकृति को श्रेष्ठ तत्व माना, और कोई जो है शैव पंथी वो लोग पशु पाशक पशुपति को तीन तत्व मान करके चलते हैं, कोई कहता है जीव की जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये पाद है, ये पाद ही उनको मतलब ओरिजिनल तत्व मूल तत्व है, कोई कहते हैं नहीं विषय, क्योंकि विषय के भोग के लिए हम आते हैं, कोई कहता है कि अरे विषय कहाँ मिलेगा, लोक में जाओ तभी तो विषय मिलेगा, इसलिए कोई कहते हैं लोक ही अच्छा है, तो बोलते हैं लोग जाओगे कैसे, बोलते हैं देवताओं की पूजा से देवता श्रेष्ठ है, फिर अपने बोलते हैं कि देवता तुम्हें कहाँ से मिलेगा, बोले वेद से मिलेगा, कोई इसलिए वेद को मानता है, अरे देवता आपकी भोग प्राप्त करने के लिए आपको वेद केवल कमरे में रख देने से नहीं होगा, आपको यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेगा, इसलिए यज्ञ ही असली तत्व है। इस प्रकार से क्रम से बोलता जा रहा है, परंतु वहाँ पर जाएगा कौन, जो भोक्ता होगा वो जाएगा, जाके क्या करेगा, भोग वस्तु को भोग करेगा, इसलिए भोक्ता भोज्य यही सब मुख्य तत्व है। ऐसा करके अलग अलग वादियों के अलग अलग सिद्धांतों के यहाँ पे लिखा है, मतलब सभी के बीच यही है कि कोई भी पारमार्थिक नहीं है, उत्पत्ति विनाशी है, और अनेक तत्व तो मानते हो तो फल देखो जब वो परिच्छिन्न रूपी हो जाएगा, परिच्छिन्न होने का नाशमान और अनेक तो भी होते हैं। कल 23 श्लोक को हम लोगों ने पढ़ लिए थे है ना, उसको दोबारा श्लोक को केवल सब मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। परंतु वहाँ पे जो है भोक्ता भोग कैसे करेंगे, ये सूक्ष्म शरीर ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, किसी में ये तन्मात्र ही नहीं, कोई कहता है नहीं नहीं सूक्ष्म शरीर अकेला कुछ नहीं करता, स्थूल शरीर हो तभी जाके भोग होना संभव, स्थूल तब जब स्थूल है तब तो कोई मूर्त रूप होगा, इसलिए मूर्त रूप ही अच्छी है, और एक बार ही बोलता है क्या बोलते हैं अमूर्त ही असली है, मतलब वही सच्चाई है, मतलब जिसका कोई स्वरूप नहीं है, शून्यवादी बौद्ध लोग ऐसा बोलते हैं। इसके ऊपर टीका पढ़ रहे थे हम है ना, भाष्य तो कुछ नहीं करे बात अंतिम में बोलेंगे, आत्मा सूक्ष्म अनुपरिमाण और सदिति के चित, आत्मा को अनुपरिमाण सूक्ष्म मानते हैं, दिगंबर प्रेम लोग
कोई आत्मा को शरीर परिमाण मानते हैं कि अणु परिमाण मानते हैं? व्यापक ये लोग नहीं मानते, व्यापक मानने वालों को न्याय शंको ये लोग मानते हैं, न्याय दर्शन वो शशि दर्शन शंको दर्शन हमारे वेदांत दर्शन पूर्व मीमांसा दर्शन भी जो है आत्मा को परिच्छिन्न जीवात्मा रूप में मानते हैं। अच्छा, आत्मा सूक्ष्म अणु परिमाण शादी के चिंतन ये नहीं कह सकते युगपद अशिष्य शरीर व्यापित अनुसंधान असिद्ध, क्योंकि एक ही साथ शरीर के पैर के नखून में भी हमें अपना बोध होता है। अच्छा, कोई कहे एक एक सुई आपको चुभो आपका शरीर में चुभा, कहाँ चुभा? ठीक है, आँख में चुभाते हैं, अरे नहीं भाई आँख खराब हो जाए कोई बात नहीं। आपका पेट में चुभाते हैं, नहीं भाई दर्द होगा, ठीक है पैर के उसमें चुभाओ, बोलते नहीं वहाँ भी दर्द होगा। यानी कि पूरा शरीर में हमारे आत्मबोध है, कहीं भी हम अपना थोड़ा सा भी एक सुई चुभने के लिए मौका नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं पूरा शरीर में जो अपने आत्मत्व बोध होता है, फिर एक एक जगह पे सूक्ष्म ये कैसे कह रहे हो? इसलिए हमें बोलते हैं तरना ये कथन से युगपद अशेष शरीर व्यापित व्यापी वेदना समस्त शरीर में व्याप्त होकर के जो अनुभव होता है इसका अनुसंधान होने का, इसलिए ये सिद्ध नहीं हो पाएगा यदि आत्मा एक जगह पर सूक्ष्म रूप में रहेगा तो। इसकी आवश्यक मन में रखते होते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म। अब फिर एक बात ये आ गया भाई, सूक्ष्म शरीर आप जानते हो इसका काम करने का तरीका क्या है? सूक्ष्म शरीर कभी भी स्थूल शरीर को छोड़ करके काम नहीं कर पाएगा, सूक्ष्म शरीर कभी भी स्थूल शरीर को छोड़ करके काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आवागमन काल में भी, आवागमन काल में जिस समय आठ पुरिया को लेकर के एक से दूसरे शरीर में जाता है उस समय भी वो भूत सूक्ष्म के द्वारा परिवेष्टित होता है, जो पंचकृत पंच महाभूत का सूक्ष्म अंश है सूलभूत अंश है उसके द्वारा परिवेष्टित होते हुए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई कहता है नहीं जी स्थूल देह अहम प्रत्यात आत्मा की लोक आयत वेदिक लोक मतलब चार वाक की एक विशेष गोष्ठी, वो कहता है नहीं नहीं स्थूल शरीर आत्मा है ना, स्थूल देह अहम प्रत्यय क्योंकि वहीं पे मैं करके लोग बोलते रहते अहम प्रत्यय अहम प्रति गोचरा देती आती तो टिप्पणी पढ़ ली थी तब चुना ये कथन भी आपका सही नहीं है। क्यों? मृत सुषुप्तोर संघात अभिशेषा चैतन्य प्रसंग, तो मरा हुआ आत्मा चेतन मान अपने को चेतन मानते हो जड़ मानते हो चेतन मानते हो तो मुर्दा शरीर में चेतन तो दिखाई पड़ता कि नहीं दिखाई पड़ता? नहीं दिखाई पड़ता। यानी कि यदि शरीर तुम्हारा आत्मा होता तो उस अवस्था में दिखाई पड़ता, सुषुप्त अवस्था में ऐसे ही होता है कुछ पता ही नहीं लगता, यानी कि शरीर तो पड़ा रहता वहाँ पे, यदि चेतन होते तो वहाँ कोई अनुभव होती, किंतु सुषुप्त अवस्था में कोई थूक दे तो आपको कुछ पता ही नहीं लगता, कितना मक्खी आदि बैठते हैं तो आपको पता नहीं लगता। इसलिए बोलता है मृत सुषुप्त अभी संघात अभिशेषा, वहाँ भी तो यही कार्यकरण संगत है तो वहाँ भी आपको चेतनता के प्रसंग आ जाएगा, इसलिए स्थूल शरीर आत्मा नहीं हो सकता। एकैकस्य च भूतस्य चैतन्य अदर्शनात्, अब जो है कि क्योंकि आप अलग अलग करके आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी किसमें चेतनता नहीं दिखाई पड़ता और आप बोलते हैं कि मिलने के बाद चेतनता, यदि इनमें से किसी में एक होता तब तो हमें चेतनता, जब किसी में चेतनता नहीं है तो इसे संपन्नित होकर के चेतनता हो जाए आ जाएगा ये भी आप नहीं कह सकते, चेतनता आ जाएगी आप नहीं कह सकते। एकैकस्य च भूतस्य चैतन्य अदर्शनात्, अलग अलग भूतों में चेतनता नहीं दिखाई देने के कारण संघातस्य च अवस्तुता, अनेक को मिल करके जो बनता है ना संघात परार्थकता होता है और वो पारमार्थिक वस्तु भी नहीं होता अवस्तुता, इति उसको मन में रखते बोलते स्थूल इति स्थूल विदः। छः नंबर टिप्पणी में देखिए अवस्तुता अवयव अवयवत भिन्नतेन हि न किंचित वस्तु अवयवी इति भाव, अवयव को छोड़ करके अवयवी नामक कोई अलग वस्तु वहाँ पे होता ही नहीं है, अवयवी जो है मुख्य रूप से इसलिए होता है अवस्तुता, अवयवी कोई कल्पना मात्र है, ये कल्पना मात्र है इसलिए वो भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। स्थूल है कि स्थूल अवय, अब जा ये स्थूल बोलते बोलते तब जो है तब तो भगवान की मूर्ति भी स्थूल है तो अपने शरीर को क्यों भगवान की मूर्ति को मानो मूर्त द्रव्य को मानो, दिखाई पड़ता सामने स्पष्ट, इसलिए आगे देखिए बोलते हैं मूर्त त्रिशूल आदि धारी है ना, त्रिशूल हुआ आपका जो डमरू आदि हुआ ये सबको धारण करने वाले महेश्वर अथवा चक्र आदि धारी व भगवान विष्णु परमार्थ भवति इति आगमिका, है ना पुराण के लोग ऐसे मानते अथवा आगम उपदेश को सुनकर चलने वाले व्यक्ति बोलते हैं कि जो है त्रिशूलधारी भगवान शिव अथवा चक्रधारी भगवान विष्णु यही पारमार्थिक तत्व ये मानते हैं। मूर्त त्रिशूलादिधारी महेश्वर चक्रादिधारी वा भगवान विष्णु परमार्थ तो भवती आगमिको पारमार्थिक तत्व परमार्थ परमार्थ भवती आगमिका, इस प्रकार आगम मतलब बस सुन करके जो है अपने सिद्धांत को बनाने वाले वो लोग ऐसा कहते हैं। तदपि भ्रांति मात्रम,
ये भी मतलब शिव शरीर को लेकर के यदि तुम शिव चक्र शंख चक्र गदापत्तधारी आप एक खुशी को यदि परम तत्व मान वो भी एक शरीर है तो भी तो शरीर अविशिष्ट है, शरीर पंचभौतिक है तो वो नाशवान होता है इसलिए वो नहीं हो सकता है। तो ये भी एक भ्रांति मात्र है कि इस प्रकार नाम रूपधारी कोई भगवान की पर सृष्टि का नाम रूपधारी भगवान अलग अलग रूप है, वो भी अलग अलग रूप में अलग अलग व्यक्ति मानते हैं वो पारमार्थिक तत्व है, ये भी एक भ्रांति मात्र है। क्यों क्यों भ्रांति है? अस्मत् आदि शरीरवत् तस्यापि शरीरस्य पांचभौतिकत्वात्। शरीर जो भी धारण करेगा चाहे भगवान श्री कृष्ण क्यों ना हो, जब तक बोल रहे हैं जन्म कर्म समय दिव्य, ठीक है आपका जन्म भी दिव्य है कर्म भी दिव्य है उसमें कोई शंका नहीं है, परंतु जिसको आश्रय करके आप जन्म और कर्म को कर रहे हैं वो दिव्य नहीं है, वो नाश होगा, वो नाश होगा। इसलिए बोलते हैं अस्मत् आदि शरीर व हम लोगों की शरीर के समान तस्यापि मतलब शिव अथवा विष्णु उनका भी शरीर उनका स्थूल शरीर होता है ना पंचभौतिक अर्थात तो भी पंचभूत से बना हुआ होने के कारण वो भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं हो सकता, वो भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं हो जाता। तो भगवान तो शरीर धारण करके आते हैं अपने आप बोलते हैं दिव्य, वो तो भगवान की लीला है, लोक बत्तु लीला कैवल्यम, बस केवल मात्र सृष्टि की क्या एक लोक व्यवहार में ऐसे लोग खेलने के लिए थोड़ा कुछ आना जंगल जाते शिकार खेलते, इसका राजा लोग ऐसे भगवान की सृष्टि का राजा है अपने खेलने के लिए सृष्टि को बनाया। लीला विग्रह, लीला विग्रह कल्पनम च विग्रह अभावे लीला अभावात अयुक्त। अब बोलेंगे ये लीला विग्रह है भगवान की, ठीक है जब तक विग्रह में है तब तक लीला है, जब तक विग्रह में नहीं है तब तो लीला नहीं है। तो ये पारमार्थिक है, तो जो व्यभिचार करने वाला तत्व है वो पारमार्थिक नहीं हो सकता है ना। लीला विग्रह लेके जब आते हैं तो लीला विग्रह जब तक विग्रह है तब तक लीला है, अथवा जब तक लीला करने की इच्छा तब तक विग्रह है, मतलब जैसे लीला समाप्त हो गया विग्रह नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लीला विग्रह कल्पना च विग्रह अभाव, यदि इस प्रकार बोलोगे ना भगवान की लीला विग्रह है यदि कल्पना करोगे विग्रह अभाव अब क्या हो जाएगा, विग्रह जो अभाव हो गया तब क्या हो जाएगा लीला अभाव, भगवान की लीला का भी अभाव हो जाएगा। अयुक्तम इसलिए इस प्रकार ये पारमार्थिक तत्व ये कहना भी युक्ति संगत नहीं है। यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती है, ठीक है वहाँ के ऊपर पांचभौतिकत्व पांचभौतिकत्व मिथ्यात्व तो अविशेषादिति भाव, जो पंचम जहाँ पे दृश्यत्व तो हमारे यहाँ पे क्या है विमतम मिथ्या दृश्य स्वाद पंचभौतिक वस्तु दृश्य होता है इसीलिए भी मिथ्या होगा, यह हमारा सिद्धांत मतलब अनुमान के रूप है। मिथ्यात्व तो अविशेषा किसी भी पंचभौतिक शरीर में मिथ्यात्व तो सामान्य रूप में विद्यमान है इति भाव, तथा च साक्षात माया कार्यत्व मते न अविरोध। अब यदि ये माया का कार्य मानते हो तब ठीक है हमारे साथ कोई विरोध नहीं, ठीक है ना हमारे साथ कोई विरोध नहीं। हम माइक मानते हैं भगवान की लीला विग्रह माइक मानते हैं, कुछ देर के लिए शरीर धारण करते हैं फिर अपने आप उसको नाश हो जाते हैं, माइक पारमार्थिक मत मानो, माइक मानो तो हमारे साथ कोई विरोध नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं कि तथा च साक्षात माया कार्यत्व मते न विरोध, अच्छा वस्तु तस्तु यदि माइक मानोगे तो अविरोध नहीं होगा विरोधी हो जाएगा, क्योंकि माइक वस्तु पारमार्थिक होता ही नहीं है। वस्तु तस्तु साक्षात माइकस भूत मात्रवत व्यवहार अनहर अनहत्वात अन्यथा पंचीकरण कल्पना अयोगा यथा श्रुतम एवं सम्यक। पारमार्थिक दृष्टि से साक्षात माइकस जो माया जिस प्रकार रज्जु को सर्प दिखाई पड़ रहा है माइक है, उस माइक सर्प से कुछ व्यवहार होना संभव है कि नहीं है, माइक सर्प से कुछ व्यवहार होना संभव नहीं है, ठीक इसी प्रकार या फिर कब व्यवहार होना संभव है अज्ञान काल में, जब तक आपका रज्जु नहीं दिखेगा तब आपको क्या लगेगा सर्प मेरे को काटने को आ रहा है इतना मोटा सर्प है इतना, ये व्यवहार तो होगा काल्पनिक व्यवहार होगा पारमार्थिक व्यवहार होना संभव ही नहीं। इसलिए वस्तु तस्तु साक्षात माइकस भूत मात्र पर जैसे पंचभूत हमारे यहाँ पे माइक है उनको कल्पना है व्यवहार अनहृत्वा माइक वस्तु व्यवहार के योग्य नहीं होता, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो अन्यथा पंचीकरण कल्पना अजोगा नहीं, तो यदि केवल मतलब तन्मात्र से भी व्यवहार होता तब ये पंचीकरण की कल्पना नहीं करता स्थूल, यदि पंचीकरण कल्पना करके दिखाया जो माइक मतलब तन्मात्र सूक्ष्म रूप में दिखाई पड़ते हैं उसके द्वारा कुछ व्यवहार नहीं होता, इसलिए पंचीकरण अजोगा यथाश्रुतम एवं संभव। इसलिए जैसे यहाँ पे सुनाई दिया मतलब टीकाकार ने जैसा लिखा क्या लिखा वहाँ पे कि लीला विग्रह कल्पना है ना वहाँ पांचों भौतिक होने के कारण लीला विग्रह है ऐसा मानो तो हमारे साथ विरोध नहीं है न चाहिए। आप बोलेंगे लीला विग्रह मानने पर तो उसका इच्छा क्या होगा, हमारे शरीर की तरह हमारी शरीर की तरह भगवान के शरीर भी जो नाशवान होगा हमारी तरह जो उनका जन्म नहीं होगा तो भगवान ईश्वर किस बात की, तो वो तो हमारी तरह जीव हो गए
तो बोलते नहीं नहीं इससे ईश्वर के ईश्वरत्व की हानि नहीं होती। माया उपाधि के साथ उनको स्थूल शरीर में दिखाई पड़ने पर भी ईश्वर के ईश्वरत्व की हानि नहीं होती। आप बताओ, एक राजा उसका शरीर और एक जो भिखारी, राजा के पास भीख मांगने आया, दोनों के पांच भौतिक शरीर में क्या भिन्नता है? मतलब राजा की राजत्व भी है, भिखारी की भी। इसी प्रकार हमारी तरह पंचभौतिक शरीर होने पर ईश्वर की ईश्वरत्व की हानि नहीं होती। एवं ईश्वरत्व अपाइश, उसका ईश्वरत्व हट जाएगा ये बात नहीं है। पांच भौतिक देहत्व अविशेष अभी, पांच भूत से बना हुआ शरीर को सामान्य रूप से सभी के लिए एक होते हुए भी प्रजात राग्न इव, जैसे प्रजा से राजा की भिन्नता स्पष्ट समझ में आता है पंचभौतिक शरीर होते हुए भी, मनुष्येभ्य देवादीनाम इव, जिस प्रकार मनुष्य से देवताओं की भिन्नता समझ में पंचभौतिक है, देवादीनाम इव ऐश्वर्य ऐश्वर्य शक्ति विशेषात एव उपपत्ति, वहाँ पे किस लिए विशेषता है? देवताओं के पास ऐश्वर्य, पूर्व जन्म में क्रिया हुआ सब धर्माधर्मादि कर्म इतना अच्छा है कि उनका अंतर्धान करने की क्षमता, एक साथ अनेक शरीर धारण करने की क्षमता में भी ऐश्वर्य देवताओं के पास होते हैं। इसलिए शरीर एक प्रकार एक दिखाई देने पर उनके पास ऐश्वर्य की जो है हानि नहीं होती, ऐश्वर्य से शक्ति विशेष एक होता है। इसलिए वहाँ पर ईश्वर में या जीव में भिन्नता, मतलब शक्ति विशेष उपाधि के कारण शरीर एक होते हुए उपाधि के कारण भिन्नता दिखाई देने पर भी जो भिन्नता जो आपने माना शक्ति विशेष के कारण, उसमें कोई हानि नहीं होता। न च स्वप्नस्य साक्षात् आविद्वकत्ते अपि व्यवहार व्यवहार्यत्वात् एव सत्यवाच्यम्। जिस प्रकार स्वप्न की वस्तु सीधा सीधा अविद्या से उत्पन्न होने पर भी व्यवहार व्यवहार्यत्व, वहाँ पर जैसा व्यवहार होता है ऐसे ऐसे ही व्यवहार हो जाएगा एक सत्य, न च वाच्यम् ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्वाप्निक व्यवहार में कोई सत्यत्व नहीं होता, आप उठ करके स्वयं निर्णय करते हो। स्वाप्निक स्वप्नकाल में व्यवहार होता है, स्वप्नकाल में जो व्यवहार होता है वो कैसा है, ये शरीर है कि माइक शरीर है, कल्पित शरीर है, माइक शरीर है, और उससे जो व्यवहार होता है उससे सुख दुख भी होता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, न चाह स्वप्न से साक्षात आविद्यकत्व, स्वप्न में जो भी दिखाई दे रहा है वस्तु वो सीधा सीधा अविद्या के से युक्त होते हुए भी व्यवहार जत्व, वहाँ पर जैसे व्यवहार हो जाता है ऐसा यहाँ भी हो जाएगा अविद्यक शरीर से। तो हम आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं क्या है, हम यह इसको माना कब करते हैं, हाँ माया निद्रा में देख करके स्वप्न देख रहे हैं, तो देखो मैं कब माना करूँ, उसमें हमारे साथ जरूरत नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि ऐसे भी नहीं होता था सति तद्वत एवं क्षणिकता, तो यदि ऐसा मानोगे ना ईश्वर के व्यवहार को तो क्या हो जाएगा, ईश्वर भी क्या हो जाएगा, तो स्वप्न वस्तु में क्षणिक हो जाएगा, है ना। इसलिए ईश्वर में क्षणिकत्व नहीं है, इसलिए कथा का सब तद्वत एवं क्षणिकता आपत्ति, न च सर्वज्ञत्वादि अनुपत के योगेन योगिनामिव मायाया ईश्वरस्य अपि संभवा। आप बोलेंगे जिस प्रकार ईश्वर में सर्वज्ञत्व है, सर्वशक्ति सर्वत्र ऐसा बोला, न च को न अलग रखना, सर्वज्ञत्वादि अनुपत के योगेन, यदि ईश्वर ऐसा एक स्थिर वस्तु नहीं होगा, ईश्वर पारमार्थिक नहीं होगा, तो ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कैसे बोल सकता है। इसलिए उसको मतलब मान्यता देने के लिए, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, उसको मान्यता देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूर्त ईश्वर वो पारमार्थिक वस्तु ऐसा मानना पड़ेगा, मूर्त शरीर ये पारम ऐसा मानना पड़ेगा। सर्व अनुपत्ति योगी ना योगी नाम योगी योगी में जैसा एक ईश्वर जो आ जाता है, माया ईश्वर स्वी संभवात ना पी न संभवात, यहाँ भी ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है ये पारमार्थिक तत्व मूर्ति रूप में नहीं है, पारमार्थिक तत्व अमूर्त रूप में सूक्ष्म सच्चिदानंद रूप में पारमार्थिक है, और राम शरीर धारण करके आया तो कृष्ण शरीर धारण करके आया, वो भी शरीर के पांचों भौतिक धर्म समान होने के कारण वहाँ भी पारमार्थिकता नहीं है, सच्चिदानंद रूप में पारमार्थिक ही हमारी धर्म है। न च भौतिक देहस्य न माया शक्ति इंद्रजाल दर्शनादिति अवधेयम्। न च भौतिक देहस्य है ना, ये जो क्या है न पालक करने भौतिक शरीर का माया शक्ति इंद्रजाल दर्शनादि की अवधि, भौतिक शरीर आपको क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, भौतिक शरीर आपको क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, माया शक्ति से इंद्रजाल की तरह दिखाई, इसीलिए इससे भिन्न न ये माया से भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं है, माया ही है, दोनों का दिखाई दे रहे ना,
इन भौतिक देहस्य माया शक्ति इंद्रजाल दर्शन भौतिक शरीर के माया शक्ति इंद्रजाल के तरह दिखाई देने कारण ये माइक नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। माइका मिति न चाह भौतिक देवचना माया शक्ति इंद्रजाल दर्शन भौतिक शरीर पारमार्थिक जो है ऐसा नहीं कह सकता है क्योंकि माया शक्ति इंद्र ने दिखाई दी थी अवधेयम किस किस को लेकर के बोल रहे थे पांच भौतिक अथवा ईश्वर शरीर भी यदि मूर्त मानेंगे यदि भगवान को आप एक स्थूल मतलब मूर्त रूप में मानेंगे तो इतना मात्र तब क्या हो जाएगा वो भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं ईश्वर सर्वविश्री इससे क्या होता है इसका अंतर जो सर्वव्यापक तत्व है वो पारमार्थिक तत्व है जो उत्पत्ति क्योंकि जो शरीर उत्पत्ति होगा वो नाशवान भी होगा चाहे राम शरीर हो चाहे कृष्ण शरीर हो चाहे सामान्य राम कृष्ण शरीर हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जनाचार सर्वज्ञत्वाद अनुपत्ति योगी ना योगी ना भी वो माया है ईश्वर सभी सर्वज्ञत्व आ जाएगा ऐसे भी नहीं कह सकते ना तो भौतिक देह माया शक्ति न माए वो भौतिक शरीर जब हुआ तब वो माया शक्ति से भिन्न नहीं हो सकता इति अवध में ऐसा समझना चाहिए। आगे लीला विग्रह की कल्पना च विग्रह अभव लीला अभवत अधिकतम यदि बोलो कि नहीं भगवान लीला करने के लिए एक लीला विग्रह ग्रहण करते हैं तब क्या हो जाएगा जब लीला नहीं होगा तब विग्रह का अभाव भी हो जाएगा ऐसे ही दिखाई पड़ता है लीलार्थम एवं भगवत विग्रह की तब अभिमतम उनका मन क्या है लीला के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं तो मानो भगवान की कुछ मतलब इस पर जो है उस लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं तब जब वो लीला करते हैं तब शरीर रहता है उसी शरीर पारमार्थिक तत्व नहीं है जब लीला नहीं करते तो अपने पारमार्थिक स्वरूप में रहते इसलिए स्थूल शरीर भी कोई पारमार्थिक तत्व मूर्त मूर्त देवता मूर्ति भी कोई पारमार्थिक तत्व नहीं है ये कहना चाहते हैं। अच्छा जब मूर्त पारमार्थिक नहीं है इतना तुम बोल तो अमूर्त शून्यवाद नहीं है कुछ और ये भी कोई पारमार्थिक नहीं है इसलिए अमूर्त सर्व आकार शून्य निष्स्वभाव परमार्थ ठीक है ना देखिए अमूर्त मतलब क्या हो जाएगा सर्व आकार शून्य निस्वभाव जिसका कोई स्वभाव नहीं है स्वस्वभाव स्वभाव अनिस्वभाव जिसका अपना कोई भाव नहीं है मतलब शून्य कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा जो जो भी कोई वस्तु रहेगा स्वभाव अपनी विद्यमान का तो हो गया यहाँ पे होता है स्वभाव निस्वभाव उसका स्वभाव कुछ है नहीं सर्व आकार शून्य निस्वभाव समस्त आकाश अमूर्त का अर्थ कर रहा है सर्व अमूर्त मतलब कोई आकार वाला अमूर्त मतलब कोई आकार नहीं है आकार नहीं है मतलब निस्वभाव परमार्थ निस्वभाव पारमार्थिकता है ये शून्यवादी निष्पा शून्यवादी लोग ऐसा कहते हैं तदपि कल्पना मात्र परंतु परमात्मा को हम लोग जो है निस्वभाव नहीं मानते हैं परमात्मा को हम सच्चिदानंद स्वभाव सद्भाव है उचित भाव है आनंद भाव है इसको हम मानते हैं इसलिए ये भी कल्पना मात्र है परमार्थ निस्वभाव वो पारमार्थिक है और निस्वभाव है ये व्याघात है व्याघात मतलब ये दोनों एक साथ नहीं बोल सकते कोई पारमार्थिक तत्व होगा और स्वरूप शून्य होगा क्या बोला पारमार्थिक होगा और स्वरूप शून्य होगा ये तो नहीं हो सकते व्याघात दोष है आप बोल रहे हैं क्या मेरा जीव हुआ नहीं है कोई मानेंगे ठीक इसी प्रकार से पारमार्थिक है पर तो स्वभाव रहते कैसे मान सकते पारमार्थिक वस्तु का अपना स्वभाव होता है इसलिए बोलते हैं परमार्थ निस्वभाव पारमार्थिक वस्तु है और अपना कोई स्वभाव स्वभाव नहीं है मतलब स्वभाव वहाँ पे नहीं है ये जो कहते हो व्याघात आदि बदल तो व्याघात दोष सही है सिद्धांत में व्याघात आ जाएगा इसको मन में रखते होते अमूर्त मतलब अमूर्त तद्विद मतलब सूक्ष्म शरीर भी आपका पारमार्थिक तत्व नहीं है तब स्थूल शरीर मिला करके मानो वो भी नहीं है तब बोलता है जब स्थूल शरीर मानने में नहीं है ठीक बोलो सामान्य स्थूल भगवान की स्थूल शरीर है वो पारमार्थिक है तो भगवान की स्थूल शरीर में तो यही मान चाहे बोधन बना हुआ तो वो पारमार्थिक कैसे होगा जब ये तीनों जो सूक्ष्म स्थूल अथवा ईश्वर शरीर मनुष्य शरीर ये नहीं हो पाया तब क्या तब अमूर्त ही जो है पारमार्थिक मतलब स्वभाव शून्य तो ये भी नहीं हो सकता जो स्वभाव शून्य होगा पारमार्थिक वस्तु कैसे हो सकता है जो स्वभाव शून्य वस्तु होगा पारमार्थिक कैसे हो सकता है इसलिए कहते हैं 9 नंबर टिप्पणी में परमार्थ निस्वभाव रहेगा था निस्वभाव अवस्तु निश्चय मतलब उसको कोई वस्तु तो धर्म नहीं है और वो एक वस्तु है बोल रहे हैं अवस्तु वस्तु है कैसे बोला जा सकता है ये होना संभव है इस प्रकार से कितना विकल्प हो गया पहले में देखो बोले थे 4-20 से शुरू किया आपने प्राण भूत गुण और पाशुपत्व मत को देखा फिर बोला पाद फिर बोला विषय और लोक और देवता 4-4-8 वेद यज्ञ भोक्ता और भोज्य 8-4-12 और यहाँ पे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर मूर्त द्रव्य अमूर्त ये तो जो है 16 हो गया 4 16 तत्व दिए थे कोई भी पारमार्थिक नहीं है इसके बाद एक और मजे का बात आता है देखो भाई हमारे यहाँ पे ज्योतिष भी एक अंग है वेदांग है
है ना। तो वो लोग बोलते हैं कि सारा चीज़ जो है काल के ऊपर है, क्योंकि कोई भी कर्म करने के लिए आज इधर जाना है इधर नहीं जाना है अथवा इस काम अभी करना है कि नहीं करना है, ये काल के ऊपर आश्रय करके होता है। इसलिए काल ही श्रेष्ठ, काल ही श्रेष्ठ बंद है तब बोलेंगे। परंतु काल जो हमारा इसमें न्याय दर्शन में जो नौ द्रव्य माना ना, उसमें नौ द्रव्य में क्या क्या माना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा मन और आत्मा, काल दिशा मन और आत्मा। इसमें से काल भी उसको माना कि अतीत आदि व्यवहार हेतु है ना, अतीत वर्तमान भविष्य व्यवहार करने के लिए जिस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो काल मान उस काल बोलते हैं। और वो भी क्या है, एक विभु नित्यश्च, काल एक ही है और एक विभु भी है और नित्य भी है। यदि काल एक ही है तो आप ये शुभ काल या अशुभ काल कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये शुभ काल ये योग्य काल एक कैसे बोलते हैं। अच्छा यदि बोल नहीं नहीं ये पल क्षण आदि का विभाजन है तो वो तो आपका कल्पना मात्र है, आपने उसके ऊपर कल्पना की। और काल भी क्या बोला वहाँ पे कि क्या अतीत आदि व्यवहार हेतु तो, ठीक है ना, नया दर्शन शब्द है, यानी कि व्यवहार करने के लिए जिसको क्रिया को संपादन करने के लिए उसके लिए जो मतलब वो क्रिया संपादन करने के लिए एक समय उसको हम काल शब्द देते हैं। ये कल्पना नहीं करें, किसी काल कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, उसके बाद दिशा आया, दिशा दिशा क्या है, पूर्वा पर आदि जो है व्यवहार करने के लिए पूर्व है ये पश्चिम इस व्यवहार करने के लिए जिस कल्पना किया गया वो भी है दिशा। दिशा आकाश स्पेस, दिशा को जो दिया स्पेस ले लेंगे, स्पेस में दिशा नाम रूप दिया, आकाश में हमने दिक की कल्पना की, वेदांत क्षेत्रांत के अनुसार दिक की कल्पना की होगी व्यवहार शोकर जो है कि कौन सा किस दिशा में जाना है इसको उसको दिखाने के लिए। तो हमने तब किस दिशा से पूर्व उठते उसको पूर्व बोलते हैं, सूर्य उठते हैं पूर्व बोलते हैं, जिधर अस्त जाते उसको पश्चिम बोलते हैं, मतलब जिधर अस्त उस समय तक किसी को उदय हो रहा है यानी किसी के लिए भी पूर्व है, यानी कि दिशा भी कोई पारमार्थिक वस्तु है। और वो लोग और क्या बोलते हैं, स्पेस नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं चल सकती, क्यों नहीं चल सकते, ये पृथ्वी सूर्य जैसा विराट विराट ग्रह और इतना तेज से घूम रहा है उसको इसको घूमने के लिए स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए। अब स्पेस में जब कोई ये घूमेगा कोई ग्रह आदि कोई भारी वस्तु उसमें एनर्जी पैदा होगा कि नहीं होगा, और एनर्जी जब कंडेंस्ड हो जाता है तब वो थोड़ा मूर्त रूप में दिखाई देगा। इसीलिए बोलते हैं कि स्पेस को एक रूप आश्रय तत्व तो उनके पक्ष में ये दृष्टि उनके पक्ष में ये दृष्टि। इसलिए बोलते हैं दिशा इति चेतन विधान, दिशा से यहाँ पे दिशा ले सकते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर तक की अथवा स्पेस को ले सकते हैं जिसमें क्रिया होना संभव है। कोई बात ही बोलता है देखो ये सब मानने से नहीं होगा, हम किसी चीज़ को करने से पहले हमको युक्तिपूर्वक निर्णय करना पड़ता है, तब तक हम क्या करेंगे, जब तक निर्णय नहीं कर पाएंगे कैसे करेंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे तो करेंगे कैसे। इसलिए ये निर्णय ही यथार्थ तत्व बाधा इति बाधा। हम फिर बोलते हैं आगे बोलेंगे कि आप तो निर्णय कहाँ बैठ के करोगे, कहाँ बैठ के करोगे, कोई लोग चाहिए ना। तो यहाँ पे बोलेंगे भुवन भवंती अस्मिन भूतानि इति बोलना, इस प्रकार भुवन बोलेंगे इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से अलग अलग वादियों का ये कल्पना को लेकर के बोलते हैं, कोई काल को मानते हैं कोई दिशा को मानते हैं कोई बात को मानते हैं कोई भुवन को मानते हैं, यही बार मानते हैं। देखो श्लोक को पढ़ते हैं अभी फिर टीका में आ जाएंगे। काल इति काल विदो, काल इति काल विदो, दिशा इति च तद्विदः, दिशा इति च तद्विदः, बाधा इति बाद विदो, बाधा इति बाद विदो, भुवनानि इति तद्विदः, भुवनानि इति तद्विदः, काल इति काल विदो, दिशा इति च तद्विदः, बाधा इति बाद विदो, भुवनानि इति तद्विदः। कोई कहता है जो है काल को लेकर के ज्योतिषादी को लेकर के जो लोग व्यवहार करते होते हैं आश्री तो गणना ही है, ये युद्ध के बाद भी जो है महाभारत युद्ध के बाद सभी लोग यही सोचने लगे
युधिष्ठिर सोचा कि मैं धर्म आचरण कर, इसीलिए युद्ध को लिया। भीम सोचा हमारी बाहुबल से, अर्जुन सोचा हमारे धनुष बल से, और ये नकुल सर को ज्योतिषांत के अच्छे को तो हमने ठीक समय गणना की थी, इस समय युद्ध इस समय चलो इस समय इस प्रकार की कर तब जाकर भगवान मनीमन हंस रहे थे। सोचते ऐसे सोचते हैं कि जब ले गया बरवरी के पास, बरवरी घटोत्कच के पुत्र अलग के पोता आ रहा था ना बरवरी, तो वो जो क्या होता है कि जाके वो आ रहा था युद्ध करने में, तो भगवान ने उसको देखा कि ये तो वहीं कर है, उसे बात ना आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप किस पक्ष में युद्ध करोगे, तो जो पक्ष हारेगा उस पक्ष में युद्ध करोगे बिल्कुल, और फिर अच्छा क्या कर सकते हो, तो एक तीर से इस पेड़ का सारा पत्ता निकल सकते हो, तो मामूली बात सारा पत्र भगवान देखा ही, तो भगवान ब्राह्मण धारण किया, उनको संतराई किया, तब उनका सिर काट दिया बरवरी का। तब बंधु बोलते हैं भगवान जानते हैं कि एक क्षत्रिय युद्ध करने के लिए आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे मार दिया तो ये तो धर्माचरण नहीं हुआ। तब बोला कि ठीक है तुमको एक हम वर देंगे कि ताकि जोड़ो, इसमें क्या चाहते हो, शरीर तो नहीं मिलेगा, युद्ध नहीं कर सकते। तब बोलते हैं कि एक काम करो, करने के लिए युद्ध के लिए आया था, युद्ध नहीं कर पाऊंगा तो युद्ध देख ही लूँ कम से कम। तो बोलते ठीक है तुम्हारे यहाँ तक फिर समय चेतनाता रहेगा एक पेड़ मिनट भगवान की लीला यही है। अब फिर जब युद्ध के बाद सब सोच रहे कि मैं ही सब किया, मैं ही सब किया, तब जाकर उनके पास ले गए। तो किसको क्या करते हुए देखा, बोलते मैं एक ही चीज देखा, एक सुदर्शन चक्र सब तो यहाँ पे ये काल ही थी, काल अभी दोनों को सहदेव का लोग ज्योति शांति लोग यही सोचता था कि जाए ये काल ही सब काम करे। बरवरी जो है ना ये राजस्थान में है, खाटू श्याम, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी हमारा हमारा नेटिव प्लेस वही है, वही पे है जयपुर के आसपास, जयपुर राम जी से 1 किलोमीटर दूर हमारा गाँव। सब जब इन बरवरी के तो ये लोग इधर आ रहे थे ना, उसको पहले रोक दिया गया। तो अब काल जानने वाले लोग कहते हैं कि काल ही पारमार्थिक तत्व तो है, दिशा को लेकर के विचार करने वाले व्यक्ति दिशा में, तो आज की दिशा में काल के साथ दिशा जुड़ा हुआ है, इस समय इस दिशा में जाएंगे तो हमारा काम बनेगा, इस समय इस दिशा में जाएंगे तो काम बनेगा, इस हमारे इस समय इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, ये कई प्रकार की गणना करता है। ये सारा जो है काल्पनिक है, सब ये दिखा रहे हैं, लेकिन कितना कितना कल्पना हमने कर रहा और इस कल्पना के आधार पर पूरा व्यवहार चल रहा है, व्यवहारिक कल्पना। और बाद मतलब यहाँ पे बात कथा क्या होता है, जन्म कथा, वितरण कथा, बात कथा, मतलब गुरु शिष्य के माध्यम से तत्व निर्णय को बात कथा बोलते हैं। तो बात करने वाले भगवद गीता दशम अध्याय में था ना, बादो प्रबोधताम अहम, है ना, बादो प्रबोधताम अहम, मतलब विवाद करने वाले में मैं बात कथा हूँ, इसलिए उनको एक प्रमाण मिल जाता है कि तो भगवान तत्व है, बात ये भगवत तत्व भगवान ने बोला, इसलिए परमात्मा तत्व बादो प्रबोधताम आया है। फिर भुवनानि इति तद विदः दशम अध्याय में विभूति योग में सर्वोदय शास्त्री हैं, सर्वोदय शास्त्री को सर्वोदय विद, सर्वोदय शास्त्री, सर्वोदय है हाँ आए टीका में आएगा वो सर्वोदय विद। ये भी मैं भी थोड़ा सा इसको लेकर कि किसको बोलना चाहता है, टीकाकार के एक शब्द है, मैं क्या यहाँ पे सोचा मैं बताऊँगा, आएगा यहाँ पे। यहाँ पे अब ये बता भुवनानि इति तद्विदः, ये भुवन पहले लोक बोल करके आया था, लोक और भुवन, लोक की ज्ञान हमको क्या होता है कि पुराण से होता है, पौराणिक का बोल करके आया, और भुवन जो होते हैं सामने जो दिखाई पड़ते हैं ग्रह नक्षत्र आदि, इसको भूगोल भुवन का अलग अलग भी रहते हैं, इसको लेकर के बोल रहे हैं भुवनानि इति तद्विदः, भुवन को लेकर के मतलब भवंती अस्मिन भूतानि, जहाँ पे जो है लोग उत्पन्न होते हैं उसको भुवन बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, कोई जो है मतलब सृष्टि का मूल तत्व ऐसा करते हैं, कोई व्यक्ति कहना चाहते हैं। देखिए टीका में आ जाइए अभी, काल परमार्थ इति ज्योतिर्विदः, ज्योतिष चर्चा करने वाले लोग ये कहते हैं कि काल ही परम तत्व है, काल ही परम तत्व है ना, ये भी पंथ बताइए काल क्या होता है, किसी भी कर्मों को करने के लिए है ना, तो इसमें कितना हमने ये व्यक्त किया, कितना देर तक हम ये करता रहा, उसको मापने के लिए हम काल की कंसेप्ट करते हैं, उसी वस्तु के समय कितना समय एक व्यक्ति रहता है उसके लिए हमने काल की कल्पना की है, इसलिए काल कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। मतलब अच्छा ज्योतिष में जो बोलते हैं वो तो
मतलब इस समय ग्रह नक्षत्र को देख करके अब इस ग्रह इस व्यक्ति के लिए इस समय अनुकूल है, इस ग्रह इस व्यक्ति के लिए इस समय प्रतिकूल है, इस प्रकार से देखकर गणना करते हैं। और आजकल तो एक नाड़ी ज्योतिष भी है, जानते हैं नाड़ी ज्योतिष है, नाड़ी से मतलब फिंगर प्रिंट ले करके आप देखेंगे, वो पुस्तक है अभी केरल में, इसको ले करके बस ये चलते फिंगर प्रिंट देख करके उस प्रकार प्रिंट वाला जो उनके पास रखा हुआ है, तो यदि उसमें क्या क्या लिखा हुआ सब चीज़ मिल जाता है। मतलब पहले से देख लिया, देखने के बाद तुम्हारा इस समय ये होगा, इस समय तुम्हारा ये होगा, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार वो होता है। वक्त ये सारे चीज़ को बुझे बुझे हुए व्यवहार में पारमार्थिक नहीं है, इसलिए ये भी कोई सही वस्तु नहीं है। ज्योतिष का दो प्रकार के होते हैं, काल गणना के द्वारा, एक नाड़ी गणना के द्वारा, ये परंतु ये व्यवहार के लिए है, पारमार्थिक तत्व नहीं है। काल पारमार्थिक ज्योतिर्विद, ज्योतिष चर्चा करने वाले लोग काल के पारमार्थिक तत्व मानते तत्व न, वो भी आप नहीं कह सकते। क्यों? काल ऐके मुहूर्त आदि व्यवहार अयोगा। आप बताओ, आपने जो कालविद है, अब काल तो एक है, अब यदि एक पूर्ण तत्व है, फिर वहाँ पे क्या किया आपने, ये मुहूर्त, ये पल, ये मतलब आप जो बोलते हैं ना कि सेकेंड मिनट और ये जो था कल्पना करते हैं, तो काल के ऊपर कल्पित वस्तु, इसलिए बोलते हैं तत्व एक कथन में आपका शयन है। काल ऐके, जब काल एक ही आपने माना, क्योंकि आपने क्या बोला एक नित्य विभुष्य, तो फिर वहाँ पे इतना विभाग कहाँ से आएगा, मुहूर्त आदि व्यवहार और योग इस प्रकार व्यवहार तो नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए मुहूर्त आदि व्यवहार से औपाधिकत्व व्यवहार हेतु कालस्य अपि उपाधि सम्मतेन अतात्विकत्वात्। देखिए व्यवहार कभी भी होगा तो उपाधि के माध्यम से होगा, आत्मा में कोई व्यवहार नहीं होता, जहाँ कहीं व्यवहार होगा तो उपाधि के माध्यम से होगा। और काल की उपयोगिता किस में है, व्यवहार में है। मतलब मान लीजिए ये पेन हमारे पास आया, तो हम बोलते हैं ये हमारे पास 10 साल से, मतलब कि ये हमारे व्यवहार उपयोगी 10 साल, 10 महीना हुआ, कुछ भी हुआ, यानी कि व्यवहार के सापेक्ष काल की कल्पना करते हैं, यानी कि उपाधि के सापेक्ष में जिसको कल्पना करोगे, है ना, तो उपाधि पारमार्थिक वस्तु नहीं हो सकता है। जो जिसको तुम कल्पना कर रहे हो जिसके ऊपर, है ना, वो पारमार्थिक तत्व होगा। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं व्यवहार से उपाधि करते तो, क्योंकि व्यवहारिक उपाधि होने के कारण व्यवहार हेतु, व्यवहार के लिए हेतु जो काल, वो भी उपाधि के साथ संबंध रखते हैं। व्यवहार करने के लिए काल चाहिए, और काल भी आप देखेंगे कि उपाधि के साथ संबंध रखे। आजकल तो घर ही एक आपने ये बना दिया, उसके सापेक्ष आप काल को गणन करते हैं, इतना बजा इतना बजा, पहले तो सूर्य को देख करके करते थे, और वो भी आपका जंतर मंतर आदि होता है, सूर्य की छाया कैसे कैसे घूमता था, तदनुपुर समझ जान लेते थे। इसलिए आप बोलते हैं व्यवहार से उपाधि करते थे, व्यवहार हेतु काल से उपाधि संबंधी न, काल का भी उपाधि का संबंध रखने का ना, और तात्विकता को भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। उपाधि संबंध से व्यवहार हेतु तेना कल्पना अयोगा इति अवधेय, उपाधि के साथ संबंध से उपाधि असंबंध से, सॉरी उपाधि असंबंध से, जो उपाधि के साथ संबंध नहीं रखता, जब जो व्यवहार हेतु तेन कल्पना, उसको भी व्यवहार के साथ हेतु के लिए आप व्यवहार करने के लिए कल्पना कर देते हैं, यानी कि आप जो है व्यवहार के लिए कल्पना करते हैं। कैसे कल्पना करते हैं, आत्मा आप व्यवहार के उपयोगी बनाया, तो आत्मा ने कल्पना कैसे किया, इस उपाधि के साथ मिलकर के आत्मा व्यवहार, इसके बिना नहीं हो सकता। और जो उपाधि के साथ मिलकर इसका व्यवहार दिखाई दे रहा है, काल वस्तु के साथ होता है, इसलिए वो पारमार्थिक तो नहीं होता। व्यवहार से उपाधि करते तो व्यवहार ये तो काल से उपाधि संबंध होते ना, तत्व काल का भी उपाधि के साथ संबंध होने के कारण वो तात्विक नहीं। देखिए आत्मा में क्या है, उपाधि के माध्यम से समझ में आता है, परंतु उपाधि के साथ संबंध नहीं है। तो ये जिस प्रकार ये द्रव्य है, ये द्रव्य काल के साथ संबंध है, संबंध के कारण ये कहीं पारमार्थिक नहीं है, कि कुछ देर पहले नहीं था, कुछ देर के लिए है, बाद में नहीं है। इसलिए यहाँ पे उपाधि असंबंध से व्यवहार हेतु, व्यवहार अहेतु तेन, अहेतु तेन, ठीक है ना, उपाधि के साथ संबंध नहीं, लेकिन उपाधि असंबंध से जो व्यवहार अहेतु तेन, व्यवहार के हेतु नहीं होने के कारण कल्पना अयोगा, फिर वहाँ पे कल्पना करना भी युक्ति संगत नहीं होता, यदि अवधेय, ऐसे यहाँ पे समझ। तब नानात्व अभी न स्वतंत्र, मान लीजिए आपने नानात्व मान लिया काल में, है ना, मिनट घंटा सेकेंड आदि जो भी मानते हैं, पल ये सब मानते हैं, पर वहाँ भी आला मानने को मतलब स्वतंत्रता नहीं है। पर स्वतंत्रता क्यों नहीं है, कि आप मिनट होगा तो सेकेंड के ऊपर निर्भरित रहेगा, घंटा होगा तो मिनट के ऊपर निर्भरित होगा, दिन होगा तो घंटा के ऊपर निर्भरित होगा,
स्वतंत्र नहीं है, जो परतंत्र पारमार्थिक वस्तु नहीं हो सकती। जो भी कोई वस्तु दुष्ट के बातों में समझ में आता है पारमार्थिक वस्तु नहीं होता। क्योंकि होता है नानाते अभी, पहले मैं यहाँ पे मिनट सेकेंड आवर बोल रहा हूँ, पहले पल क्षण इस प्रकार से बोलते थे हम, वो भी निर्भर करते तक नानात्व बिना स्वातंत्र को स्वतंत्रता नहीं आता। अन्न विषय तेन प्रतीति, कोई भिन्न रूप में प्रतीति होते अन्न विषय न अन्न आश्रय करते काल जो है ना, किस होगा ये वस्तु इतना समय कुछ देर तक रहा उसको लेकर के हमने कहा दो दिन तक है ना, इसे अन्न आश्रय के द्वारा ही काल की गणना होती है। किसी को आश्रय करके किसी क्रिया के सापेक्ष में वस्तु के सापेक्ष में काल की गणना होती है, किसी व्यक्ति के सापेक्ष में अन्न विषय तेन तो क्या हो गया काल अकेला है। यदि एक है तब क्या हो जाएगा उसमें भिन्न कल्पना, उसमें अच्छा बुरा कैसे कल्पना करें, एक है तो अच्छा है तो अच्छा बुरा है तो बुरा, हम आत्मा एक है तो आत्मा को अच्छा बोलोगे तो बुरा बोलोगे, कुछ नहीं बोला जा सकता। एक यदि आप अलग अलग मानोगे तो अलग अलग मानोगे तो एक दूसरे पर निर्भरित हो जाएगा, दूसरे पारमार्थिक तत्व नहीं। और काल को समझने के लिए कुछ ना किसी का आश्रय चाहिए, उसके बिना समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं अन्न विषय प्रतीति, अन्न विषय पर प्रतीति होने के कारण अन्न विषय होता अन्न आश्रय करते ना, किसी के आश्रय में किसी द्रव्य गुण क्रिया के आश्रय लेकर के काल को आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते इसके लिए। तो अब देखिए उदय काल इत्यादि न क्रियाधर्मा प्रतिदिन समझा रहे अन्न आश्रय थे काल को समझाएंगे किसको, ये उदय काल है ये अष्टमय काल है, मतलब किसी एक उपाधि को आश्रय करके आप उसको व्यवहार करने के लिए आप काल शब्द होते हैं, कैसे काल कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। उदय काल इत्यादि न क्रिया धर्म क्रिया के धर्म के रूप में काल की प्रदेश गुणत्वा स्पष्ट हमको समझ में आते हैं। न च क्रिया धर्मत्व काले अपि तत् उपपत्ति, न च क्रिया धर्मत्व काले अपि तत् उत्पत्ति दर्शना, क्रिया के धर्म देखोगे काल में। अब क्रिया भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, क्योंकि काल आपको तब समझ में आएगा जब क्रिया शुरू हो, क्रिया नाश भी हो गया तो जितना देर तक क्रिया हो रहा है उस समय तक काल आपको समझ में आएगा। जिस प्रकार लीला विग्रह में जैसा बोला उस समय लीला हो रहा है उस समय विग्रह समझ, लीला विग्रह समझ में नहीं आता। इसी प्रकार कोई क्रिया अथवा कोई वस्तु के साथ आपका काल समझ में आता, कभी भी आप देख कभी भी काल समझ में आने के लिए उसके सापेक्ष में काल समझ। इसलिए आप बोलते हैं कि तत् उत्पत्ति दर्शन अन्यथा काल अनवच्छिन्न तेना क्रिया नित्यत्व, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो काल के द्वारा अवच्छिन्न क्रिया तो वस्तु नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा क्रिया में भी नित्यत्व आ जाएगा, क्रिया में भी नित्यत्व आ जाएगा। इसलिए क्रिया आदि जो है वो काल के द्वारा अवच्छिन्नित होते हैं और काल क्रिया के द्वारा अवच्छिन्नित होता है, क्रिया काल के द्वारा अवच्छिन्नित, काल क्रिया के द्वारा अवच्छिन्नित, काल समझ में आती है। प्रमाणनाश का दोष के द्वारा ही दोष होता है, इसलिए एक भी पारमार्थिक वस्तु नहीं है। यहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी या चार नंबर टिप्पणी देखिए, तीन नंबर टिप्पणी न च क्रिया धर्मत्म काले अपी, इन्हों को अलग कर देना क्रिया धर्मत्म काले अपी तब उत्पत्ति, आप काल में भी उसका उत्पत्ति और नाश क्रिया किसी काल में ही, किसी काल में ही क्रिया की उत्पत्ति और नाश दिखाई देता है। क्या लिखा है न च क्रिया धर्मत्म अपी तत्र विचार नहीं, हाँ कहाँ पे वो तो टिप्पणी में बोल रहा है, मैं मूल में बोल रहा हूँ क्रिया धर्मत्म क्या है उस लाइन में, क्या क्रिया धर्मत्म काले अभी है ना। अब यहाँ पे देखिए न च क्रिया धर्मत्म अभी, वो अपने काल में क्रिया धर्मत्म भी नहीं है, तत्र विचार क्रिया धर्मत्म विचार न सहते, यहाँ करना होगा क्रिया धर्मत्म अभी तत्र विचार न सहते, काल में क्रिया हो रहा है अथवा क्रिया काल के सापेक्ष में यहाँ पे विचार करोगे तो यहाँ भी आपको निर्णय नहीं कर पाओगे, कारण नष्ट कर लगेगा। इतनी आवश्यक मन में रखती बोलते हैं न च क्रिया धर्म तब काल अभी, काल में क्रिया धर्म क्रिया में काल धर्म ये भी आप कारमार्थिक दूर नहीं सकते, ये हमारी कल्पना मात्र ही है। क्यों तत् उत्पत्ति दर्शन क्रिया की उत्पत्ति और नाश दिखाई दिया है ना, अन्यथा काल अवच्छिन्न, तो यदि क्रिया यदि काल के द्वारा अवच्छिन्न नहीं होता तब क्या हो जाएगा क्रिया एक नित्य वस्तु हो जाएगा। इसलिए आपको समझाने के लिए हम काल का अवच्छिन्न करते हैं। चार नंबर कितने में तक उत्पत्ति मतलब क्रिया उत्पत्ति, क्रिया की उत्पत्ति भी जो है नाश भी कोई भी क्रिया होना, इसलिए यहाँ पे वो भी काल भी कोई पारमार्थिक तत्व तो नहीं है। यहाँ तक जब काल को लेकर के बोला कि उसके बाद ये शब्द जो है सर्वोदय विदह, मतलब ये हो गया ज्योतिष तत्व को काल विदह दिशा तत्व को लेकर काल के साथ दिशा को जोड़ करके मतलब स्वर तत्व भी मतलब किस समय कौन कर्म करना किस दिशा में जाना ठीक होगा इसको बोलते स्वर तत्व। स्वर उदय विधा ठीक है ना, स्वर उदय विध एक दूसरे विध मान लीजिए, इस प्रकार प्रभात काल भी यानी एक स्वर होता है और उदय काल भी होता है, इसको इसको समय को जान मतलब किस दिन किस समय सूर्योदय होगा
इस दिशा में जाना ठीक रहेगा। इस प्रकार की गणना करने वाले व्यक्ति भी बोलते हैं स्वर्ग उदय विदा, ये लोग तो दिशा परमार्था इतना, वो लोग दिशा को ही परमार्थ मानते हैं। क्यों? आप यदि ठीक काल में ठीक दिशा में जाएंगे तब जाकर के आपका काल के साथ जुड़ा हुआ है, तब जाकर के आपको काम सफल होगा। ऐसा दिशा ठीक दिशा में जाने की, जैसे बोलते हैं कि सोम शनिचर पूर्व न चले, ऐसा कुछ आता है कि इस दिशा में पूर्व दस में नहीं जाना चाहिए, बोलते हैं ऐसा। मतलब ये भी कल्पना ही मतलब इसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति इसको नहीं जानता है कर्मों किए हुए भी उसका सफल हुआ, केवल मतलब इस प्रकार करने से सफल होगा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति बोला इस समय तुम ये काम करोगे तो सफल होगा, आप देखिए उसी काम में कितना व्यक्ति है जो उसको नहीं जानते हुए भी की कर रहे हैं, मतलब उससे अच्छा सफलता प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सर्वोदय विदह, मतलब ये दिशा के साथ काल का संबंध को जानने वाले व्यक्ति लोग तो दिशा परमार्था इतिहाम दिशा ही पारमार्थिक है ऐसा कहते हैं। काल नहीं दिशा, ठीक काल में ठीक दिशा में ठीक चीज़ को करोगे तब जा करके। अब दिशा से दो चीज़ लेना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अथवा स्पेस, पूरा स्पेस को लेना, यही पारमार्थिक। तदपि भ्रांति मत, मैं स्पेस क्यों बोला, क्योंकि जितने सारे यहाँ पे ग्रह नक्षत्र आदि घूम रहे हैं इसको घूमने के लिए आपको स्थान चाहिए, और ये मूवमेंट, इसका मूवमेंट के फल क्या होता है कि इसमें एक जो है एनर्जी उत्पन्न होता है, एनर्जी उत्पन्न होता है, एनर्जी जब बढ़ते घटते रहते हैं, मतलब स्पीड के ऊपर इसके ऊपर अलग अलग द्रव्य के अलग अलग है, और वही जो एनर्जी फिर जो है एक मतलब कॉन्डेंस्ड होकर के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो है स्पेस चाहिए हमको, इस प्रकार से दिशावादी लोग ऐसा बोलते हैं। काल के साथ आप एक चीज़ आप विज्ञान के साथ देखना चाहेंगे कि जो आप काल की गणना कैसे करते हैं, एक एंट्रोपी को लेकर, मतलब एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग ऑफ द क्रिएशन, तो क्या हो जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ, तो हाउ पास कितना पुराना है, इस प्रकार से इन दोनों को देखने के लिए काल की कल्पना करते हैं। परंतु पारमार्थिक तत्व ये काल और दिशा तो समझ में आता है विचार करने भी दीजिए, बाकी बात तो है सामान्य, मतलब बात निर्णय करके, मतलब कोई भी वैज्ञानिक हो चाहे कोई व्यक्ति हो, आपस में बैठ करके विचार निर्णय करने के बाद तब जाकर के वो काम करते हैं। इसलिए बाद ही असली प्रश्न, ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलेंगे जैसे वह सर्वोदय विदस्तु दिश परमार्थ इति आहु, तदपि भ्रांति मात्र, ये भी एक भ्रांति है। क्यों? तद विदाम अपि पराजय दर्शना, ये भी एक भ्रांति है, मतलब आपने दिशा काल गणना करके आप किसी युद्ध के लिए गए थे परंतु आप में जाके फेल हो गए, यदि यही सही होता तब उसी को वहाँ फेल क्यों हुआ। इसीलिए हमें बोलते हैं तद विदाम अपि पराजय था, इस प्रकार तद विदा मतलब दीक्षकुनादि दृष्टा, देखिए ये है ये दिशा में जाना है और इस समय सगुण है, अच्छा इस प्रकार जान करके दृष्टा विजयार्थम बताना, उसको विजय करने के लिए उस दिशा जाने वाले उन लोगों का वही ये विशेष वो क्या होता है उसको भी पराजय दर्शना। इसीलिए ये जो है काल दिशा अथवा इसकी गणना पारमार्थिक तत्व में, मैं तो हम इसके लिए रास्ते में बैठ करके अथवा ज्योतिष आदि देख कर मतलब ये अयुक्ति का वैज्ञानिक है, परंतु ये यदि हर चीज़ आपका बदल देता तो अपना किस्मत पहले क्यों नहीं बदल देता, अपने के क्यों भीख मांग कतर कर देते। इसीलिए ये आप जो भी भगवान ने जो लिख दिया अपने पूर्व के जो कर्म उसको कोई नहीं बदल सकता, ये केवल इतना कह सकते कि आपको ये होने का संभावना है, मतलब ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी थ्योरी ऑफ डिपेंडिंग ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे आप जीत भी सकते हार भी सकते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं दीक्षकुनादि दृष्टा विजयार्थम बताना मिति शेष, इसके शेष आगे दो है मतलब तद विदाम अपि पराजय इति अर्थ दिशा, उसके बाद यहाँ पे बाद इति बादवित, यहाँ पे आनंद गिरी जी ने तो बोलता है धातुवाद मंत्रवाद, कोई मंत्र धातुवाद मतलब क्या है, कोई चीज़ क्या होता है, कुछ ऐसा उनके सामने होता है जैसे तामा है उसको इसमें बदल देंगे, किसमें सोने में बदल देंगे, इस प्रकार से बदलने के धातु पर हम तो यहाँ पे बात कथा को बाद उसको लेकर के बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को करने से पहले आप निर्णय करके फिर चलते हैं, किसी के आपका जानकार व्यक्ति के साथ आप उसको विचार भी कर लेते हैं, इसको बाद बोलते हैं। अब तो आनंद के लिए यहाँ पे बोलते हैं धातुवाद मंत्रवाद, इसको मान्यता देने वाले तो अपने तो समझा रहे धातुवाद मंत्रवाद सहित्ता देव बाधा वस्तु होता भगवत, इस प्रकार बात जो है पारमार्थिक होता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तदपि कल्पना मात्र, में भी कल्पना मात्र, क्यों आप कहते हो कि चांदी तामा को हम सोने में बदल दें, तामा को तुम सोने में बदलो, सोने को पत्थर में बदल दोगे कोई, और बात भी क्या होता है ये कोई बात आज किसी ने निर्णय किया ये पारा हमेशा रहेगा ये नहीं है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी
अभी हो गया, आइंस्टाइन थ्योरी भी चला गया, कर्ल्स भी चला गया, कि किसी प्रकार से देखो तो अनेक विज्ञानियों को एक साथ लेकर के आप नहीं आ सकते, वो समय सापेक्ष में आता है। आज का सिद्धांत तो जो हमने मिलने के कालू खराब हो जाएगा, इसलिए बाद ही पारमार्थिक तथ्य कह नहीं सकते वैज्ञानिक दृष्टि से भी और हमारे शास्त्रीय दृष्टि से भी। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे धातुवाद मंत्रवाद सिद्ध, धातुवाद मंत्रवाद, मंत्रवाद तो ठीक है, मंत्र के द्वारा कोई चीज़ को सिद्ध करके आपने कोई काम किया मंत्रवाद। तीसरे इतिश्चैत्यादयो बाधा वस्तु भूतवे पारमार्थिक इति केचित् तदपि कल्पना मात्र क्यों ताम्रादि स्वभाव स्थिति नष्टे च कनकादि स्वभाव असंभवा। आपके पास ताम्र था, ताम्र कॉपर, अब काम ताम्र ताम्र रह करके सोना हो जाए ये भी नहीं होगा, अब ताम्र नष्ट हो गया तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो होगा नष्ट हो गया तो कुछ बनना संभव नहीं है, और रह करके होगा वो भी होना संभव नहीं, इसीलिए ये जो धातु बाद आती ये भी संभव नहीं। जो ताम्रादि स्वभाव स्थिति नष्टे च, ताम्रादि स्वभाव स्थिति होते पर नष्ट होकर के कनकादि स्वभाव वो सोना के स्वभाव को प्राप्त कर लेगा, ये कहना भी युक्ति संगत नहीं है, ये इसके अंदर भाव संभव। मंदिर छह नंबर दिखाई दिखाई टिप्पणी दिखाई दे रहा है ना, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से कौन ऊपर हाथ से चाहिए हमको, ताम्र स्वभाव स्थिति कनकत्व अनुपत्ति, वो ताम्र ताम्र रूप में रहेगा। इस प्रकार मान लीजिए कोई भी मेटल हुआ हमारे पास कितना, वो उस रूप में रह करके फिर दूसरा रूप में भी धारण कर लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ताम्र स्वभाव स्थिति कनकत्व अनुपत्ति नष्ट है तो उसमें अब क्या हो जाएगा, वो ताम्र ही नष्ट हो गया, जब कोई उपादान ही नहीं रहेगा वो सोना कहाँ पे आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि नष्टे तो तस्मिन कनक उपादान में वनस्पति, कनक का उपादान ही नष्ट हो गया तो ये भी नहीं हो सकता, इति तब अनुपत्ति रीति भविष्य ये कहना कि युक्ति संगति इसके अंदर भाव के भाव है। अब मंत्रवाद अपि काल दष्ट न जीवति अकाल दष्ट स्वयमेव उत्थस्यति इति अभ्युपगमा व्यामोह मात्र मित्र। मंत्रवाद क्या बोलता है, जो काल के द्वारा दशा हुआ व्यक्ति वो जीता नहीं है, मंत्र अब मंत्रवाद क्या होता है, हम उसको जीवित कर देंगे मंत्र लगा कर, अथवा जिंदा को मार देंगे सृष्टि कर देंगे, मतलब प्रलय काल को मैं सृष्टि कर दूंगा और सृष्टि को मैं नाश कर दूंगा, इस प्रकार मंत्रों के द्वारा कोई जादू को दिखाते हैं बंधु की पारमार्थिक होना संभव नहीं है। तो मंत्रवाद अपनी काल दृष्ट न जीवती, जो काल के द्वारा दशा हुआ है वो व्यक्ति जीता नहीं है, अकाल दृष्ट स्वयं, जो अकाल में मर गया वो अपने आप ही उठ जाएगा, अकाल दृष्ट मतलब अकाल में मर गया अपने आप जिंदा हो जाएगा, स्वयं में वो उत्थस्यति अभ्युपगमा, वो लोग ऐसा मानते हैं काल मतलब मंत्रवाद लोग ऐसा मानते हैं। मंत्रवाद क्या मानते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा कर दूंगा, जिंदा व्यक्ति को मार दूंगा, इस प्रकार से मंत्रवाद की मान्यता हो गई, कहाँ का है मुझे तो पता नहीं है, इसीलिए हम लोग व्यामोह मात्र नहीं था, ये भी इस प्रकार बोलना भी एक मोह मात्र, इस प्रकार बोलना एक मोह मात्र आहो, इसी को मन में रखते बोलता है बाद इति बाद विदह। अब तो यही बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बात कथा बोला, परंतु उस निर्णय अब यहाँ भी हमारे प्रश्न, ये निर्णय करने वाला कौन है, ये जो निर्णय हुआ ये जानने वाला कौन है, अरे इसको सोचो बाद इति बाद विदह, आपने बोला बात करने वाले में बात, मैं बात कथा हूँ, अब ये बात ही आपका मूल तत्व नहीं है, क्योंकि इस बात को समझने वाले भी समझ के इम्प्लीमेंट करने उससे पीछे कोई होगा, वो मूल तत्व मानना चाहिए, ये तो समझ में आते बात बात शब्द है, धातुवाद और मंत्रवाद नहीं करके बोल रहे हैं, कोई मानना तो आनंद गिरि जी को पहले रहा होगा अथवा तो कहीं किसी के मिला होगा, इसलिए ऐसा है मंत्रवाद अभी काल दृष्ट न जीवती अकाल दृष्ट संयुक्त क्षति जो अभ्युपगमान व्यामोह मात्र बाधाई बात। अब जो केवल एक बच्चा भुवनान इति तद्विद, पहले लोग बोल करके आया अभी हमें भुवन बोल रहे हैं, एक ही चीज़ है थोड़ा सा भिन्नता है, लोग की सिद्धि होती है आपका पुराण से पौराणिक का बोल करके, भुवन मतलब का सारा सारा ग्रह नक्षत्र तो को ले लो, ये तो है ये तो है आपका जो है ये आपका दृष्टि नक्षत्र जो दिखाई पड़ता है उसको लेकर के मुझे भुवनानी चतुर्दश दसवीं चतुर्थ भुवन के बोल रहे हैं, चतुर्थ भुवनानी वस्तु नहीं थी भुवन कोशविद, भुवन कोश को जानने वाले लोग वो लोग ऐसा बोलते हैं भुवन कोशी वही पारमार्थिक तथ्य तदपि कल्पना मात्र विधि कल्पना क्यों केशाम अदृश्यत्व इस प्रकार के दिखाई नहीं देता इस कारण से, न च तेभ्य तद दर्शन मतलब तेभ्य यहाँ पे आठ नंबर देखिए पहले सात नंबर है भुवन कोशविद भुवनानी एवं कोशा
भुवनानि कोशा इव इति वा अर्थ, जो भुवन है वही कोश है, अथवा भुवनानि कोशा इव, भुवन यहाँ पे कोश की तरह व्यवहार, कोश में कवर ही वहाँ पे सात नंबर लगे, भुवन कोश बेटे को छह सात आठ उसको संशोधन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे छह नंबर में लगाइए कनक आदि स्वभाव असंभव, छह नंबर, सात नंबर में आइए भुवनानि चतुर्दश वस्तु नीति भुवन कोश विदा, ये सात नंबर हो गया, ठीक है ना, भुवन कोश मतलब भुवनानि एव कोश, जो भुवन है वही कोश है कर्मधारय संबंध, अथवा भुवनानि कोश इव, भुवनानि कोश जैसा है मन कोश जैसा दिखता है, इस प्रकार से भुवन को मनमस्तिक तत्व मानते हैं, ये भी कल्पना मात्र है, किन तेषाम अदृष्टता, क्योंकि ये किसी ने देखा नहीं, मान्यता है मात्र, न च तेभ्य तद दर्शन में आठ नंबर टिप्पणी में तेभ्य इति भुवन विद्य सकाशात तत् तत् तद अवलोकन तत् अवलोकन इति अर्थ, भुवन विद्य सकाशात तत् अवलोकन, कौन जानते हैं भुवन को लेकर के विचार करने वाला, वो लोग इसको समझते, सभी लोग नहीं देख पाते, सकाशात मतलब उससे, उससे पंचमी अर्थ में आता है सकाशात, उससे है ना, भुवन विद्य सकाशात ये पंचमी है, भुवन विद्य पंचमी है, व्यस तो भुवन को जानने वाले लोगों से ये प्राप्त होता है, पंचमी शाखा जहाँ कहीं भी देखना कि विभक्ति में जहाँ भी चतुर्थी अथवा पंचमी दोनों होना संभव, वहाँ पे पंचमी विभक्ति पंचम करने सकाशत पद लगा देते हैं, पंचमी उसके साथ उसका जोड़ भी लगा देते हैं, तेभ्य भुवन भुवन विभ्य सकाशात तद अवलोकन, उसको आप जान पाएंगे, किसको, भुवन कोष के बारे में आप जान पाएंगे, तो यहाँ पे आया था हमारा इसमें जनक जगदवल की संबंध में जहाँ पे ऋषियों के बीच में बात वार्तालाप हो रहा था, तो ये पारीक्षिता पुत्र गच्छन्ति कृष्ण कहता है, और अग्निहोत्र जाप जप आदि करने वाले कहाँ जाते हैं, तो भुवन कोश की परिमा वहाँ पे बताया गया है, दिशावत पृथ्वी उसका दुगुना जल उसका दुगुना वायु ऐसा करके ऐसा परिमा बताया गया है, भुवन कोश की परिमा वहाँ पे तो मिलता है थोड़ा बहुत, परंतु पारमार्थिक नहीं, वो पारमार्थिक नहीं होता है, उस भुवन कोश को जानने वाला आप यदि हमको लगता है तृतीय अध्याय की द्वितीय ब्राह्मण आठ ब्राह्मण तो भुज्य ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण आठ भाग अथवा भुज्य ब्राह्मण भुवन कोश की परिमाण को हमें दिखाया गया है, पारीक्षिता को अभवन ऐसा प्रश्न उठा टेक्निकल तत्व भुवन विध्वस आशा तत् अवलोकन अर्थ, ये भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि न चाहते दर्शनम तेषा मिथो विप्रतिपत्ति दर्शन आदि, ये भी एक बहुत बड़ा भी है, वो भुवन कोश को मानने वाले भी आपस में एक पारमार्थी का वो पारमार्थी के साथ आपस में लड़ाई उठाई जाती है, इसलिए ये पारमार्थी पुष्टि नहीं से होता है भुवनानि इति तद विदः, बस आज कौन सा होगा अंतिम में, तीसरा वाला दूसरा वाला प्रज्ञा वैशाख वेद शील जननिधे वेदनाम्नोत्तरस्थम भूतान्यालोक्यमज्ञान्यविरतजननग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुद्धारामृतविलग्नमरहे दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्यामि पूज्यं परमं गुरुं पादपं